नमस्कार, शाम की कुछ खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के पीलीभीत से, जहां जिला अस्पताल में 3 कर्मचारी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है। पीलीभीत जिले के कोतवाली थाना के सिविल लाइन के क्षेत्र जिला अस्पताल में 3 कर्मचारियों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। बुखार आने के बाद उनकी 2 नॉट मशीन से जांच कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद आनन फानन में पैथोलॉजी विभाग एवं सिटी स्कैन विभाग को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। देखें पीलीभीत से मून प्रकाश देवल की रिपोर्ट। आज पीलीभीत के जिला अस्पताल में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पीलीभीत जिला अस्पताल में हलकंप मच गया। जिला अस्पताल के सिटी स्कैन विभाग और पैथोलॉजी विभाग को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। मून प्रकाश देवल, फास्ट न्यूज इंडिया, पीलीभीत। अगली खबर यूपी से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार का पिंडदान व लोकतंत्र की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। जी हां, ये खबर है कासगंज जिला के कासगंज थाना के नगर में यूपी सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, लोकतंत्र की हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पवित्र हरि की पौड़ी सूकर के क्षेत्रों में भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार का पिंडदान, लोकतंत्र की अस्थियों का विसर्जन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ आचार्य पंडित चिम्बन दुबे ने मंत्रोच्चार कर कार्यक्रम संपन्न कराया। मनोज पांडे ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार में अत्याचार, लूट, हत्याएं, अपहरण, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई हैं। लोकतंत्र कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज कायम है। सरकार द्वारा पांडित्य कर्म पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो निंदनीय है। इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता दीप कुमार पांडे, सेवा दल संगठन अमित यादव, जिला अध्यक्ष युवक कांग्रेस सौरभ पाल, जिला अध्यक्ष NSUI पंडित अमित पाठक, महासचिव आकाश यादव, मदन मोहन दीक्षित, शरद पांडे, शैलेंद्र मेहरे, दीपक तिवारी, दीपक उपाध्याय, शोभित गौर, राजीव तिवारी, मोहन पांडा, सोनू दीक्षित, गोपाल उपाध्याय, फरीद राजा सलमानी, कांग्रेस जन मौजूद थे। देखे कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। मनोज पांडे। हाँ, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था खत्म है, प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने सोलों की हर की पौड़ी, जो एक पवित्र स्थान है, वहाँ सरकार की कानून व्यवस्था की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार के पिंड दान का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और उनके कार्यक्रमों को लेकर ये विरोध स्वरूप हम लोगों ने किया है। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया है और हम इस सरकार की इन नीतियों का विरोध करते हैं। तत्काल इनको सुधारा जाए। अगली खबर यूपी से है, जहां देश और समाज के लिए नींव की ईंट हैं अधिवक्ता। जी हां, कासगंज जिला के कासगंज थाना अंतर्गत अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश का 29वां स्थापना दिवस कार्यक्रम विभाग संचालक उमाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। अधिवक्ता परिषद की यात्रा व उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए DGC क्राइम संजीव यदुवंशी ने कहा कि गत 28 वर्ष में अधिवक्ता परिषद देश का राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ा संगठन है। कानून के क्षेत्र में बड़े बदलाव करा रहा है। राष्ट्रीय सोच का पोषक संगठन है तथा अच्छे गुणवत्तापूर्ण अधिवक्ताओं के निर्माण हेतु न्याय, मम, धर्म के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक अरुण ने कहा कि अधिवक्ता देश और समाज की नींव की ईंट है। बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान में राष्ट्रवादी अधिवक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री राम मंदिर का हल भी अधिवक्ताओं ने ही निकाला है
उद्बोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक ने कहा कि अधिवक्ता कानून का सजग प्रहरी है। इस दौरान अध्यक्ष अरुण माहेश्वरी, जिला महामंत्री राजीव वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश साहू, जिला मीडिया प्रभारी सुखवीर सिंह कुंडीर, बजराज सिंह साक्य, संजीव कुमार दरक, गिरजा शंकर दुबे, संदीप मिश्रा, नंद किशोर पाथरे, जितेश कुमार सिंह, हरिओम विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण कुमार सिंह, कृष्ण कुमार भारद्वाज, भूपेंद्र कुमार वर्मा, अनिल कुमार यादव, मुकेश शर्मा, तेजेंद्र कुमार सिंह, उमाकांत आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे। देखें कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। संजीव सिंह यदुवंशी, जिला शासकीय अधिवक्ता दंड कासन। जो प्रोग्राम हुआ है वो किस विषय पर हुआ? आज अधिवक्ता परिषद का 28 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 29वां स्थापना दिवस है। 23 जुलाई 1992 को अध्यक्षता परिषद का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बैरिस्टर नरेंद्र सिंह थे और ये राष्ट्रवादी सोच का, राष्ट्र हितों के में कार्य करने वाला अधिवक्ताओं का संगठन है, जो आज देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और आज के कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य वक्ता थे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक श्रीमान अरुण जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग संचालक श्रीमान उमा शंकर जी शर्मा ने की है। और इसके साथ ही अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष अरुण माहेश्वरी जी, महामंत्री राजीव वशिष्ठ जी, मीडिया प्रभारी सुखवीर सिंह पुंडीर, इन सब लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके और अधिवक्ताओं को एक राष्ट्रीय सोच से ओतप्रोत होने का और निस्वार्थ से ऊपर उठकर समाज हित में कार्य करने का संदेश दिया गया है। और अधिवक्ता परिषद अध्ययन केंद्र के माध्यम से नए नए अधिवक्ताओं को नई नई कानूनों की जानकारी देकर सुयोग्य अधिवक्ता बनाने का कार्य निरंतर जारी किए हुए है। और अधिवक्ता परिषद की यात्रा निरंतर जो है आगे बढ़ रही है। लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल लेक्चर सीरीज और स्टडी सर्कलों का आयोजन चल रहा है और आज भी फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार से पूरे देश के अंदर अधिवक्ता परिषद का 29वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को, अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों को और प्रेरणा स्रोत संघ के अधिकारियों को सबका साधुवाद है एवं मीडिया कर्मियों को भी हार्दिक आभार, जिन्होंने जो है अध्यक्षता परिषद को महत्व देकर और इसके समाचार प्रसारण में महत्व योगदान दिया है। आरएसएस के द्वारा काढ़ा का वितरण किया गया है। जी हां, कासगंज जिला के कासगंज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया है कोरोना रोधी काढ़ा का निःशुल्क वितरण, जिसमें नगर की सभी सेवा बस्तियों वंचित बस्तियों में काढ़ा वितरण किया गया। साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचने के उपाय तथा काढ़े को इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए, जिसमें जिला व्यवस्था प्रमुख कमलेंद्र, विभाग प्रचारक अरुण, जिला विद्यार्थी प्रमुख सुनील, अवनीश, दीपराज, ऋषि, नितिन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखे कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? मैं सुनील, जिला विद्यार्थी प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सर, आपका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किस बेस पर है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से विगत सेवा के काम करते आ रहा है और इसी क्रम में ये कोरोना नामक महामारी जो है उससे लड़ने के लिए समाज के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए एक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आज चला है। आगे क्या है? काढ़ा वितरण का जो कार्यक्रम है पूरे नगर में हुआ है, वंचित बस्तियों में, सेवा बस्तियों में बांटा गया है काढ़ा। इसी क्रम में आज नगर कासगंज के बाले नगला में कार्यक्रम हुआ है ये, और सभी स्वयंसेवकों का बहुत इसमें सहयोग और रहा है बढ़िया। सर, जो भी ये कार्यक्रम किया है आपने तो कोविड-19 के तहत किया है ना? जी, कोविड-19 के तहत ही ये कार्यक्रम किया है, उसी की जागरूकता और काढ़ा कैसे पिया जाए, काढ़े का उपयोग कैसे हो, वो सारी चीज़ें इसमें देखी गई हैं, मद्देनज़र रखी गई हैं।
अगली खबर यूपी के हरदोई जिले से है, जहां कोटेदार की पिटाई से युवक की मौत हो गई है। जी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी के हरदोई जिला के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सिकंदरपुर में एक कोटेदार पर राशन लेने आए युवक की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं आरोपी कोटेदार मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई है। गांव सिकंदरपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कोटेदार की पिटाई से राशन लेने आए युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौजूद लोगों की माने तो दोनों के बीच आपसी कहासुनी हो रही थी, जिसके बाद कोटेदार द्वारा युवक के मुंह पर मुक्का मारा गया, जिससे वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए एजा से शिवम सिंह की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार कटियार। गांव सिकंदरपुर। क्या मामला हुआ? ये मामला ये हुआ है, वो हमारा भतीजा था, वो दुकान खोलने के लिए गया था और पुरानी कुछ रंजिशें थे, पुड़िया खमाने से मना किया, उसने उसको मार डाला। किसने? फुल्लू कोटेदार। आज मृतक के कौन है आप? उसके चाचा। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे शाम की कुछ अन्य खबरों संग। कहीं न जाएं, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।